वेलकम टू वेल्थ अपग्रेड गाइस, मेरा नाम है आकाश और मैं हूं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों गोदावरी पावर लोअर सर्किट मार जा रहा है, क्या है वो रीजन जिसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और कौन से है वो लेवल्स जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इसमें पहले से ही इन्वेस्टेड हो तो आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं एक लाने वाला हूँ एक नए प्ले लिस्ट रामदेव अग्रवाल की, जिन्होंने बनाए हैं 0 से लेकर 2000 करोड़ रुपीज। मैं उनका एक पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूँ, एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा। मैंने उनकी बुक पढ़ी है जो कि एक QGLP चेकलिस्ट के नाम से, उसकी एक पूरी मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगा और आपको भी वो आइडिया पता चलेगी कि कैसे इतने पैसे बनाए जाते हैं मार्केट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है वो न्यूज। सबसे पहले हम जाएंगे गोदारी पावर के थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं। ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है, मार्केट कैप 4325, स्टॉक पी है 4.21 और इंडस्ट्री पी है 13.9। वैल्यूएशन सस्ता है, थोड़ा सस्ते में शेयर मिल रहा है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं न्यूज की ओर। अगर आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा। चलिए एक रिसेंट अनाउंसमेंट थी 20 आवर्स अगो, इंटीमेशन रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ई वोटिंग एंड सबमिशन ऑफ नोटिस। और हम देख सकते हैं कि कल से ही जो शेयर है वो लोअर सर्किट मारे जा रहा है, तो कुछ तो न्यूज है इसमें हमें देखना पड़ेगा। चलो हम जाते हैं सीधा हूँ मैं BSE की वेबसाइट पे, और हमारा PDF भी डाउनलोड हो चुका है, बट ओके कुछ दिख रहा नहीं ऊपर का। ओके नाइस, तो ये है गाइस जो कि डॉक्यूमेंट सबमिट किया है गोदावरी पावर ने जो कि BSE का। हम देखते हैं क्या न्यूज है जो कि एक्सचेंज पे भी सबमिटेड है। के एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको पता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, तो कुछ तो बात है इसमें जिसकी वजह से स्टॉक कंटिन्यूस लोअर सर्किट मारे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं नोटिस बस। आइटम नंबर 1, सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर टू ₹5 पर शेयर। इसका मतलब है स्टॉक स्प्लिट की बातें चल रही है, जो कि फेस वैल्यू 10 है वहाँ से रुपये वहाँ 10 की 5 करना चाहते हैं, मतलब स्टॉक स्प्लिट करने की बात चल रही है, उसके लिए होगी वोटिंग वगैरह। ये थी पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉन्सिक्वेंट अपॉन सब डिविजन। कैपिटल की भी बात चल रही है, कुछ कैपिटल चेंजेस की बात चल रही है, जो कि उसके लिए भी कुछ वोटिंग राइट चले गए। अगर इन डेप्थ मुझे पढ़ू तो आप बता दीजिए, मैं इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस भी करूंगा, अभी टाइम कम है इसलिए मैं ऊपर से पढ़ दे रहा हूँ। आइटम नंबर 3 इज इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। देखिए अभी ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी के पास शेयर है टोटल शेयर उसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर जो इशू कर सकते हैं। इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर मतलब कंपनी और शेयर लाना चाहती है और इशू करना चाहती है, जिससे कैपिटल रेस हो के कैपिटल रेस कर सके कंपनी। तो ऐसा लग रहा है कैपिटल थोड़ा कैपिटल की क्रंच हो रही है कंपनी में, इसलिए वो उनके शेयर्स भी थोड़े प्रमोटर्स के प्लेस्ड है और वो नए शेयर्स भी लाना चाहते हैं जिससे कि उनको और कैपिटल मिले। आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 4 इज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कॉन्सिक्वेंट अपॉन शेयर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ये भी एक शेयर जैसे कि मैंने बात कैपिटल में, शेयर कैपिटल रिलेटेड ही सारी चीज है, कंपनी को शेयर कैपिटल बढ़ाना है उसी के रिलेटेड सारी चीजें चल रही है फिलहाल। तो बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, कंपनी बोनस शेयर भी इशू करना चाहती है और वो सब रिजर्व्स में से जो भी शेयर है वहां से आने वाले हैं। और क्या है ये जो न्यूज है लोअर सर्किट वजह से ही लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं। इस न्यूज से हम क्या ले सकते हैं और इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैं वो गोदावरी पावर के चार्ट पे 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है मैंने। न्यूज में बहुत सारी बातें की गई है कैपिटल रेस करने की, बोनस की, स्टॉक स्प्लिट की, और जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होगी डेट कुछ तो अक्टूबर की थी, लेट मी सी। ओके गाइस 11 अक्टूबर को एक मीटिंग होने वाली है
उसी दिन पूरा वोटिंग वगैरह हो गई, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन वोटिंग हो गई, फिर उस दिन डिसीजन आएगा। और ये अनसर्टिनिटी है क्या होने वाला है क्या नहीं, इसलिए जो बड़े कंपनीज है, जो बड़े स्मार्ट मनी होते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही रन कर चुका है, आप देख सकते हो। तो इसलिए वो थोड़ा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दे, क्योंकि अनसर्टिनिटी में किसी को नहीं जीना, जब बातें सर्टन होगी तो वापस से शेयर भागना चालू कर देगा। तो ये थी जिसके वजह से, ये रीजन था जिसके वजह से स्टॉक लोअर सर्किट पे है। अब देखेंगे चार्ट में क्या स्टोरी है। इस गाइस चार्ट में आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है विद गुड वॉल्यूम्स, तो ये एक अच्छी साइन नहीं है। नेक्स्ट इसका सपोर्ट होगा 1034 पे, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है 867.75। अगर इस स्टॉक को आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ऑलरेडी लोअर सर्किट में है, और इसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 1044, और नेक्स्ट सेकेंड टारगेट होने वाला है 921.30। ये शॉर्ट टर्म के लिए ऑफकोर्स मैं ट्रेडिंग की बातें कर रहा हूँ, अगर आपको स्विंग वगैरह भी करना है तो आप वेट कर सकते हो, इस सपोर्ट से वापस जंप करेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो, ये सपोर्ट, या फिर जब तक अक्टूबर की जो मीटिंग है वो क्लियर नहीं हो जाती क्या डिसीजन आएगा तब तक आप वेट कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया कंपनी का, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं कुछ आपको सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करूँ, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा। तो गाइज ये था मेरा पूरा एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।